दूसरे दिन राजा दशरथ के दरबार में सभी देशों के राजा लोग उपस्थित थे। सभी को संबोधित करते हुए दशरथ ने कहा, हे नृपगण, मैं अपनी और अयोध्यावासियों की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपको ज्ञात ही है कि अयोध्या नगरी में अनेक पीढ़ियों से इक्ष्वाकु वंश का शासन चलता आ रहा है। इस परंपरा को निर्वाह करते हुए मैं अब अयोध्या का शासन भार अपने सभी प्रकार से योग्य, वीर, पराक्रमी, मेधावी, धर्मप्रायण और नीति निपुण ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंपना चाहता हूँ। अपने शासन काल में मैंने अपनी प्रजा को हर प्रकार से सुखी और संपन्न बनाने का प्रयास किया है। अब मैं वृद्धा हो गया हूँ और इसी कारण से मैं प्रजा के कल्याण के लिए अधिक सक्रिय रूप से कार्य करने में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि राम अपने कौशल और बुद्धिमत्ता से प्रजा को मुझसे भी अधिक सुखी रख सकेगा। अपने इस विचार को कार्यान्वित करने के लिए मैंने राज्य के ब्राह्मणों, विद्वानों एवं नीतिज्ञों से अनुमति ले ली है। वे सभी मेरे इस विचार से सहमत हैं और उन्हें विश्वास है कि राम शत्रुओं के आक्रमणों से भी देश की रक्षा करने में सक्षम है। राम में राजत्व के सभी गुण विद्यमान हैं। उनकी दृष्टि में राम अयोध्या का ही नहीं वरन तीनों लोकों का राजा होने की भी योग्यता रखता है। इस राज्य के लिए आप लोगों की सम्मति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः आप लोग इस विषय में अपनी सम्मति प्रदान करें। महाराज दशरथ के इस प्रकार कहने पर वहां पर उपस्थित सभी राजाओं ने प्रसन्नतापूर्वक राम के राजतिलक के लिए अपनी सम्मति दे दी। राजा दशरथ ने कहा, आप लोगों की सम्मति पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि चैत्र मास, जो सब मासों में श्रेष्ठ मधुमास कहलाता है, चल रहा है। कल ही राम के राजतिलक के उत्सव का आयोजन किया जाए। मैं मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे राम के राजतिलक की तैयारी का प्रबंध करें। राजा दशरथ की प्रार्थना को स्वीकार करके राजगुरु वशिष्ठ जी ने संबंधित अधिकारियों को आज्ञा दी कि वे यथाशीघ्र स्वर्ण, रजत, उज्ज्वल माणिक्य, सुगंधित औषधियों, श्वेत सुगंधियुक्त मालाओं, लाजा, घृत, मधु, उत्तम वस्त्रादि एकत्रित करने का प्रबंध करें। चतुरंगिनी सेना को सुसज्जित रहने का आदेश दें। स्वर्ण हीदों से सजे हुए हाथियों, श्वेत चवरों, सूर्य का प्रतीक अंकित ध्वजाओं और परंपरा से चले आने वाले श्वेत निर्मल छत्र, स्वर्ण निर्मित 100 घोड़े, स्वर्ण मंडित सींगों वाले सांड, सिंह की अक्षुण त्वचा आदि का शीघ्र प्रबंध करें। सुसज्जित वेदी का निर्माण करें। इस प्रकार अन्य और जितने भी आवश्यक निर्देश थे उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दे दिए। इसके पश्चात राजा दशरथ ने प्रधानमंत्री सुमंत से राम को शीघ्र लिवा लाने के लिए कहा। महाराज की आज्ञा के अनुसार सुमंत रामचंद्र जी को रथ में अपने साथ बिठाकर लिवा लाए। अत्यंत श्रद्धा के साथ राम ने पिता को प्रणाम किया और उपस्थित जनों का यथोचित अभिवादन किया। राजा दशरथ ने राम को अपने निकट बिठाया और मुस्कुराते हुए कहा, हे राम, तुम्हारे गुणों से समस्त प्रजाजन प्रसन्न है, इसलिए मैंने निश्चय किया है मैं कल तुम्हारा राजतिलक कर दूंगा। इस विषय में मैंने ब्राह्मणों, मंत्रियों, विद्वानों एवं समस्त राजा महाराजाओं की भी सम्मति प्राप्त कर लिया है। इस अवसर पर मैं तुम्हें अपने अनुभव से प्राप्त कुछ सीख देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि तुम कभी विनयशीलता का त्याग मत करना, इंद्रियों को सदा अपने वश में रखना, अपने मंत्रियों के हृदय में उठने वाले विचारों को प्रत्यक्ष रूप से जानने और समझने का प्रयास करना, प्रजा को सदैव संतुष्ट और सुखी रखने का प्रयास करना, तो तुम सब प्रकार की विपत्तियों से सुरक्षित रहोगे और लोकप्रियता अर्जित करते हुए निष्कंटक राजकाज चला सकोगे। ये सिद्धांत की बात है कि जो राजा अपनी प्रजा को प्रसन्न और सुखी रखने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है, उसका संसार में कोई शत्रु नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति स्वार्थवश उसका अनिष्ट करना भी चाहे तो भी वो अपने उद्देश्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि ऐसे राजा को अपनी प्रजा एवं मित्रों का हार्दिक समर्थन प्राप्त होता है। पिता से यह उपयोगी शिक्षा प्राप्त करके राम ने स्वयं को धन्य माना और उन्होंने अपने पिता को आश्वासन
दिया कि वे अक्षरश इन बातों का पालन करेंगे। दास दासियों ने राजा के मुख से राम का राजतिलक करने की बात सुनी तो वे प्रसन्नता से उछलते हुए महारानी कौशल्या के पास जाकर उन्हें ये शुभ संवाद सुनाया, जिसे सुनकर उनका रोम रोम पुलकित हो गया। इस शुभ समाचार के सुनाने वालों को उन्होंने बहुत सा स्वर्ण वस्त्राभूषण देकर मालामाल कर दिया।